नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडोल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बना और उसी का तुर मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ। और कल के लिए मतलब 9th अप्रैल 2020 के लिए मैंने 9 फरवरी 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाई लेवल एंड सेल लेवल्स दिखाऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी रेगुलर बेसिस पे देता हूँ, तो वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइव वीडियो भी कभी कभी बना लेता हूँ, तो वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे इफेक्टिवली काम करता है और कैसे ट्रेड करना है। और बहुत सारा चार्ट का सेटअप्स है मेरा यूट्यूब चैनल पर, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, बहुत सारा स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स है और चार्ट का सेटअप्स भी है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये जो बाय सेल लेवल कम स्किनर है, इसको कैसे स्किनिंग करना है, व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन दिस बाय सेल लेवल्स, वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। और हाउ टू स्कैन वो भी देख लीजिए। इसका डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को उधर मिल जाएगा, मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग सैम्पल फाइल देख सकता है। सैम्पल फाइल होगा, वो अपडेटेड फाइल नहीं होगा, वो देख सकता है। और मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकता है और उसमें आप लोग को कुछ दिन के लिए फ्री ट्रायल मिलेगा। और मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकता है। उसमें आप लोग को लाइव वन डे होल डे आप लोग कुछ भी सेगमेंट में आप लोग का पसंद का कुछ भी सेगमेंट में मैंने लाइव डेमो दिखा दूंगा लाइव मार्केट में। तो आप लोग को उसके बाद आप लोग मेरा पेड सर्विस ले सकता है। तो पेड सर्विस नहीं ले तो एक्चुअली ये मैंने बाय सेल लेवल्स पूरा प्रोवाइड कर दूंगा और मेरा व्हाट्सएप में गाइडेंस भी आप लोग को रहेगा। तो आप लोग मेरा लाइव वीडियो वाला वीडियोस मैंने जो रिसेंटली डालता हूँ और जो पिछले वाला जो टुडेज परफॉर्मेंस वाला वीडियोस जो डाला है ऑलरेडी, वो देख लीजिए। और एक बात है कि ये मैंने जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जितना सारा मैंने वीडियोस बनाता हूँ ये प्योरली एडुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज़ है। इसमें ट्रेड लेना और इन्वेस्ट करना तो आप लोगों का जिम्मेदारी है। तो इसमें आप लोग का फिनेंशियल कंसल्टेंट का परामर्श सलाह जरूर ले लेंगे। मैंने NSE में सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ लेकिन सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। और आप लोग कोई भी ब्रोकर, आप लोग जो लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता है, यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप स्टॉक्स एंजल ब्रोकिंग एलिस ब्लू आस्था ट्रेड, उसमें आप लोग ले सकता है। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए मैंने बाय सेल लेवल तीनों सेट ऑफ बाय सेल लेवल दिखाता हूँ, बाय सेल लेवल 1, बाय सेल लेवल 2, बाय सेल लेवल 3। उसके बाद और भी बहुत सारा लेवल है, वो आप लोग को सब दिखाऊंगा। तो ये है बाय सेल लेवल 1। इसका बाय सेल लेवल 1 का बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। सेल का भी ऐसा है, सेल लेवल भी ऐसा है, एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। और इसमें आप लोग को गैप अप और गैप डाउन कंसिडर कर लेना है। तो आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियोस जो है वो देख लीजिए और लाइव वीडियो भी देख सकता है, तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कैसे इसमें ट्रेड लेना है। इसमें फ्यूचर्स भी है, ये चार तो इक्विटी है और ये चार फ्यूचर्स है, ये आप लोग देख सकता है। फ्यूचर्स का लेवल्स भी नोट कर सकता है, लेकिन एक साथ मैंने स्क्रॉल करके नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। जो लोग मोबाइल से देखेंगे तो उन लोग का प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए सभी लेवल्स मतलब स्क्रॉल करके नहीं दिखा सकता हूँ। स्टॉक्स का ही मेनली देख लीजिए, यह है वैसे लेवल 2, ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। और मैंने जो ये इसके बाद वैसे लेवल 3 आएगा और जब मैंने स्क्रॉल करके ले जाता हूँ तो आप लोग को इधर देख सकता है क्या क्या चीज़ है और कैसे इसको स्क्रीन कर सकता है आप लोग। यह है वैसे लेवल 3, तो इसमें R1 वाई का एंट्री लेवल है, S1 सेल का एंट्री लेवल है। और ये है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, ये भी बहुत ही हेल्पफुल है, ये इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है, ओनली इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है।
ये बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, मिड बैंड, लोअर बैंड, ये आप लोग को काम पे आएगा। और इसमें प्राइस चैनल का अपर बैंड, मिड बैंड और लोअर बैंड, इसमें भी आप लोग ट्रेड ले सकता है। और इसमें देखिए सिमोकू क्लाउड, इसमें है VWAP। अच्छा, ये टीरॉन लेवल जो है, टीरॉन लेवल का टॉप लाइन, मिडिल लाइन और बॉटम लाइन जो है, इसका भी वैल्यू नोट कर सकता है। और इसका भी सबसे भी इसका मतलब ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसका आप लोग नोट कर सकता है। इसके बाद जो आएगा वो गन लेवल्स है, ये गन का रेजिस्टेंस लेवल्स है। रेजिस्टेंस लेवल्स मतलब इस बाइक का लेवल्स है। इसमें आप लोग इसमें ये भी बहुत ही हेल्पफुल है, ये भी बढ़िया तरीक़े से काम करता है। और कोई कोई भी लेवल्स आप लोग इतना सारा लेवल्स दिखाने का मतलब ये है कि इतना सारा लेवल्स दिखाने का मतलब ये है कि ये आप लोग कंपेयर करके एक ट्रेड डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद आप लोग ट्रेंड भी देख सकता है, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, RSI, वीवर, वो सब देख सकता है। और ये इसमें आप लोग को इसमें मिल जाएगा आप लोग जब इसको पूरा फाइल ले लेंगे। और नहीं तो मेरा व्हाट्सएप में आप लोग फिर सर्विस लेंगे तो मेरा भी गाइडेंस रहेगा कौन सा लेवल सही रहेगा। तो आप लोग मेरा लाइव वीडियो देख लीजिए, तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी का करता हूँ, कुछ ऑप्शन में दिखाता हूँ, स्टॉक्स में भी दिखाता हूँ। इस टाइम में आप लोग इंटरडे में स्टॉक्स या मतलब ऑप्शन में पर्टिकुलरली ट्रेड करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मार्जिन थोड़ा सा कम मिल रहा है लेकिन मूवमेंट बहुत ही आप लोग को अच्छा मिलेगा। ये मुरेस लेवल दिखा दिया, ये गन का 360 डिग्री एंगल का है। ये 360 डिग्री अपसाइड फास्ट साइकिल है, ये फास्ट साइकिल अपसाइड का फास्ट साइकिल है। और इसके बाद ये डाउन साइड का फास्ट साइकिल है, फास्ट साइकिल का डाउन साइड है। और इसमें सेकंड साइकिल अपसाइड का सेकंड साइकिल है, मतलब वो लेवल क्रॉस कर जाएगा तो इस लेवल पे आएगा तो आप लोग इसमें भी ट्रेड ले सकता है। मतलब हायर रेजिस्टेंस और हायर लोअर सपोर्ट्स। और ये भी एक फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया गया है, इसका भी आप लोग नोट कर सकता है। और भी लेवल्स है वो भी काम करता है, बाय सेल लेवल्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ नंबर वाइब्रेशन 7। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, इसका भी आप लोग यूटिलाइज कर सकता है। और ये है गन स्क्वायर ऑफ 12 का लेवल्स है, ये भी बहुत ही बढ़िया है। गन स्क्वायर ऑफ 12 आप लोग को ऐसे इजीली कहाँ कहीं पर नहीं मिलेगा इसका, इस वोलेटाइल मार्केट में ये गन स्क्वायर ऑफ 9 से ये ज़्यादा काम करता है। मैंने बाद में बहुत सारा मतलब एडुकेशन पर्पस आप लोग जो लर्न करने के लिए मतलब बहुत सारा वीडियोस बनाऊंगा। गन ऐसा चीज़ है कि इसमें बहुत सारा लेवल से कैलकुलेट किया जा सकता है, उसमें मैंने बाद में दिखाऊंगा। और ये जो है मैंने ये 100 डे इमेज स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी है कि जो जिस कैंडल का आज का जी आज का डेली कैंडल को जिस स्टॉक्स का आज का डेली कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है वो कल जब इसका हाई लो तोड़ेगा तो ये अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो इसमें देखिए इधर आप लोग देख सकते हैं ऑरो फार्मा में हुआ है, इधर भारतीय एयरटेल में हुआ है, कोलपेल में हुआ है और डाबर में हुआ है, ये सब आप लोग समझ सकता है अभी FMCG का, क्योंकि FMCG आप लोग समझ सकता है अभी जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, FMCG का, बैंक का, ऑयल्स, फार्मा कंपनी, ये सब इसका मूवमेंट अच्छा मिलता है। और ये है गापी मूविंग एवरेज, ये शॉर्ट टर्म ईएमएस, ये ग्रुप ऑफ शॉर्ट टर्म ईएमएस है और ये ग्रुप ऑफ लॉन्ग टर्म ईएमएस है।
ये लॉन्ग टर्म इमेज है, जो एवरेज शॉर्ट टर्म जब एवरेज लॉन्ग टर्म के ऊपर रहेगा बाई होगा, और उल्टा होगा तो इसका सेलिंग होगा। तो आप लोग इधर से देख सकते हैं कौन सा स्टॉक्स में ये अप साइड में ट्रेंड है और कौन सा स्टॉक्स में ये डाउन साइड ट्रेंड है। ये आज का डेली मतलब एंड ऑफ द डे डाटा लेके काम किया है तो ट्रेंड इसका पता चलता है। ये सब अप साइड में दिखाता है और ये डाउन साइड में दिखाता है। ओके नेक्स्ट, मैंने आप लोग कुछ चेक कर सकता है चार्ट में, मैंने और चार्ट में नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि इसमें मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, टाइम लगता है लोडिंग करने से, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। तो जरूर जितना सा दिखाने का है जरूर दिखाऊंगा, वो तो मेरा फर्ज होता है, लेकिन ज़्यादा दिखाने से मेरा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, ये इनसाइड द बार है, इनसाइड द बार ये CAC में बना है, आप लोग कुछ चेक कर सकता है इनसाइड द बार। और NR4 NR7 ये है हिंद पट्टो में, NR4 NR7 इनसाइड द बार वन डे का हिसाब से बना है, और ITC में बना है, NR4 NR7 बना है, लुपिन में बना है, इधर PL में बना है, सब आप लोग देख सकते हैं। फार्मा कंपनी का जरा UVL में बना है। क्यों का बना इधर कौन कौन स्टॉक्स में होता है वो कुछ फंडामेंटल का बात है। अभी जो कोविड वायरस का जो रिसर्च एनालिसिस चल रहा है, उसका लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, उसी का हिसाब से कुछ स्टॉक्स का ऐसा होता है, तो बात की बात है। ये हायर हाई हायर लोस है, और फार्मा में देखिए लगातार 3 दिन से हायर हाई लो हायर लोस बना है। आप लोग कुछ चार्ट में चेक कर सकता है, मैं चार्ट में दिखाऊंगा तो मेरा मतलब कैडिला हेल्थ में बना है, सिप्ला में बना है, कोलपेल में बना है, डाबर में बना है, डिविस लैब में बना है। देखिए घुमा फिरा के आप लोग नोटिस करेंगे तो आप लोग को दिखा देता हूँ, 1 मिनट, और फार्मा को आप लोग को दिखा देता हूँ। हायर आइस लगातार 3 दिन से आ रहा है, ये एक्चुअली एंड ऑफ द डे मतलब डेली चार्ट का हिसाब से ये बना है, तो इसका तो ट्रेंड ऐसा ही होगा, कल इसका जब बनेगा तो इसका ऐसा ही होगा। मेरा ये सब इंडिकेटर्स को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, नहीं तो देखिए लगातार 3 दिन से और फॉर्मा ऊपर है। ठीक है, डिविज लैब को देखूंगा तो ऐसे ही मिलेगा, तो दिखाने का ज़्यादा फायदा नहीं है। एक्चुअली आप लोग भी खुद चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत दिन से ही दिखाता हूँ, तो रोज़ दिखाऊंगा तो मेरा तो टाइम चला जाएगा। आप लोग को और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना है, तो इसीलिए उसी के ऊपर मैंने एम्फसाइज करना चाहता हूँ। ये आप लोग खुद चेक कर सकता है। ये देखिए ये भी लगातार 3 दिन से ऊपर गया है, तो ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकता है। और इधर हाँ इधर कहाँ दिखा रहा था, इधर तो देखते हैं और कुछ इधर से कुछ बनता है कि बना है कि नहीं बना है। इधर दोजी है इंडिया बुल हाउसिंग फिनेंस में, दोजी डाउन ट्रेंड का है, दोजी टाइप का कैंडल बना है। आप लोग इधर चेक करेंगे तो ऐसे ही आप लोग को दिखेगा, क्योंकि इधर कुछ कैलकुलेशन करके बना है तो दिखेगा जरूर। ये देखिए दोजी टाइप का कैंडल डाउन ट्रेंड में है, नेबुल हाउसिंग फिनेंस दोजी कैंडल का बना है, तो जो लोग इसके ये सब कैंडल स्टिक पैटर्न का सिग्निफिकेंस समझता है वो लोग समझ सकता है कैसे इसको ट्रेड करना है और कैसे इसका मूवमेंट हो सकता है। और इधर पाजी इन्वर्टेड हैमर बना है मारुति में, और कुछ इधर देखता है और इधर सेकआउट बना है, इधर एनकेस बना है। ये सेकआउट और एनकेस में मतलब जो है वो अपसाइड या डाउन साइड में कुछ बना है। और ये जो मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट मास्टर फिबोनाची 38.2 और मास्टर आर वन,
इसमें जब हाई लो ब्रेक करेगा तो आप लोग मास्टर लॉक और मास्टर शॉट ये आप लोग आसानी से ट्रेड ले सकता है, क्योंकि ये फिबोनाची लेवल का हिसाब से बना है। और इधर बुलिश एनगल्फिंग कुछ बना है, देखिए अशोक लेलैंड में बना है, बजाज फिनांस में बना है, और भारती भारत फोर्ज में बना है, और भी बहुत सारा चीज़ में बना है, लॉन्ग टेल कैंडल स्टिक बना है इधर, ड्रॉन्ग फाइल दो जी ड्रॉन्ग ना लॉन्ग लॉन्ग टेल कैंडल लॉन्ग बॉडी कैंडल आप लोग को दिखा देता हूँ एक देखने से। देखिए इधर बजाज फिनसर में बना है लॉन्ग टेल कैंडल, और बजाज फिनांस में बना है लॉन्ग बॉडी कैंडल। तो दिखाने से एक्चुअली आप लोग को मतलब भरोसा होने से और या विश्वास होने से के लिए दिखाना, लेकिन आप लोग खुद चेक कर सकता है इसको, तब आप लोग को अपने आप लोग को जो आ जाएगा। इधर देखिए इधर लॉन्ग टेल कैंडल बना है बजाज फिनसर में फिनांस में, और बजाज फिनसर में लॉन्ग बॉडी कैंडल बना है, बजाज फिनसर में थोड़ा सा इधर लॉन्ग बॉडी थोड़ा सा परफेक्टली नहीं हुआ तो और भी देख लेता है। और लॉन्ग बॉडी कैंडल इधर बना है बॉस लिमिटेड, चोला फिन को एक बार देख लेता है, चोला फिन सभी समय एक्चुअली रियल मार्केट में सभी समय परफेक्ट सिनेरियो बनता नहीं है, तो समझ लेना चाहिए। ये देखिए इधर थोड़ा सा बना है, और इधर ठीक है दोस्तों, ये इतना कैंडल स्टिक वन दिखाऊंगा तो और भी लेवल्स दिखाना है मेरे को। तो इधर ये बैंक बड़ौदा में बुलिश रिवर्सल बना है, इधर ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट बना है, आप लोग कुछ चेक कर सकता है। इसके बाद मैंने जो दिखाना चाहता हूँ वो है कि आप लोग को कुछ स्टॉक्स में आप लोग चुन लीजिए, इधर सोच लीजिए मैंने इधर कुछ स्टॉक्स का आप लोग नोट कर सकता है, फिबोनाची लेवल्स का 7 डेज का हिसाब से, 5 डेज का हिसाब से, 3 डेज का हिसाब से, 2 डेज का हिसाब से, 1 डेज का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से, और 1 ईयर हिसाब से फिबोनाची लेवल्स है। इसमें क्या होता है जब कुछ मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम का जब कुछ लेवल्स आ जाता है उसका अच्छा मूवमेंट मिलता है। अब लोग इस स्टॉक्स को नोटिस करा, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी दिखा चुका हूँ तो इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी को अभी नहीं दिखाता हूँ। इधर देखिए फिबोनाची लेवल्स, वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोनाची, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग इधर कुछ स्टॉक्स का ऊपर नज़र रख सकता है। आप लोग इधर जब मैंने इसका पास में आता है, आप लोग कुछ स्टॉक्स इधर से इतना सारा स्टॉक्स है, आप लोग अपना सबसे स्टॉक्स देख ले सकता है उसका हिसाब से। आप लोग ये है वोलेटिलिटी बेस्ड गन एंगल्स का लेवल्स, R1 R2 ये सब एंगल्स है, और S1 S2 ये सब सपोर्ट्स है, और ये है गन डिग्री का लेवल्स। इधर से आप लोग कुछ स्टॉक्स चुन के आप लोग खुद मतलब देख सकता है। और इधर है फिबोनाची बेस्ड वन स्टैंडर्ड डेविएशन, वन स्टैंडर्ड डेविएशन का बेस के फिबोनाची लेवल्स है, ये है इलियट वेव का, और ये भी एक बढ़िया चीज़ है, ये एक इंडिकेटर का हिसाब से बना है, इसका लेवल्स भी आप लोग नोट कर सकता है। इतना हिसाब से ही आप लोग को मार्केट में ऐसा ही मूवमेंट मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मेरे को आप लोग फीडबैक दे सकता है, और मिलेगा भी तो भी फीडबैक दे सकता है, तो मेरा कुछ मोटिवेशन मिलेगा। और इधर आप लोग को अच्छा, इसमें मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का बाई सेल लेवल्स नहीं दिखाया ना, तो उसको भी एक बार दिखाना चाहिए। एक मिनट, कमोडिटी का भी नहीं दिखाया, निफ्टी बैंक निफ्टी का तो उसका दिखा दिया था एक्चुअली, और भी बहुत सारा चीज़ दिखा दिया था। वैसे लेवल 1 2 3 आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी बहुत ही काम का आएगा, ये 1 का लेवल है, ये 2 का लेवल है, उसके बाद ये
थ्री का लेवल है, इसका पिवट पॉइंट नोट कर सकता है। इसका गन एंगल्स पहले नहीं दिखाया था, इसका गन डिग्रीज का लेवल्स है, गन स्क्वायर ऑफ 9, मुरेस लेवल्स, मुरेस मैथमेटिकल्स लेवल्स, और ये 360 डिग्री एनालिसिस मैंने तब दिखा दिया था, उस टाइम ही दिखा दिया था 360 डिग्री का एनालिसिस। और इसका जो और भी एक बाकी रह गया ये है गन स्क्वायर ऑफ नंबर 7 और गन स्क्वायर ऑफ 12, इसका दिखा देता हूँ। और कमोडिटी का दिखाना भूल गया, कमोडिटी का दिखा देता हूँ। ऐसे लेवल 1 2 आप लोग पॉज करके देख सकता है। आप लोग किसी एक चुन के कर सकता है, नहीं तो कंपेयर करके आप लोग कर सकता है। मतलब इतना सारा 10 लेवल्स जो दिखाता हूँ उसको कंपेयर करके 10 सेट ऑफ जितना सारा होता है, मतलब मैंने बात कर रहा हूँ 10 सेट ऑफ 22 लेवल्स आप लोग देखेंगे, उसका कंपेयर करके एक डिसीजन लेंगे तो वो अच्छा बनेगा। नहीं तो एक लेवल पे भी आप लोग कुछ कोई भी लेवल आपको को पसंद आएगा तो आप लोग कर सकता है। मैंने रिकमेंड करूँगा कि आप लोग गान का लेवल्स के ऊपर कीजिए, पर्टिकुलरली जो गान वोलेटिलिटी बेस्ड गान एंगल्स है और गान एंगल्स और गान डिग्रीज को, और जो लास्ट में मैंने लेवल्स दिखा हाई प्रोबेबल लेवल वो भी आप लोग देख सकता है। और 360 डिग्री भी वो भी अच्छा करेगा। 22 लेवल कौन सा छोड़ कर बोलूँगा, 22 लेवल 1 भी बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए ये बना हुआ है। कोई भी लेवल अच्छा ही काम करेगा, आप लोग कुछ भी लेवल्स, लेकिन जब वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स जब होता है तो इसका एक सिग्निफिकेंस रहता है, क्योंकि जब वोलेटिलिटी के साथ डेली वोलेटिलिटी और डेली वन स्टैंडर्ड डेविएशन का हिसाब से जो होता है वो अच्छा मूवमेंट, मतलब ठीक ठाक मूवमेंट देता है, टारगेट और एंट्री पॉइंट फिक्स से आता है, क्योंकि उधर इसका निफ्टी बैंक निफ्टी का कुछ लेवल दिखाता हूँ। कमोडिटी भी इधर से कुछ दिख जाएगा आप लोग का, एक मिनट इसका लेवल्स आएगा। इधर बहुत सारा इधर भी इस फाइल में भी बहुत सारा कैलकुलेशन किया हूँ, RSI, ATR, बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, बोलिंजर परसेंटेज भी, किसी मोको ट्रेंड भी आप लोग को पता चला, ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज, कमोडिटी चैनल, इसका वैल्यू भी आप लोग देख के ट्रेंड आप लोग को पता चल जाएगा, ये लिस्ट स्क्वायर मूविंग एवरेज, लिनियर डिग्रेशन फोरकास्ट, वेटेड क्लोज, ये सब कुछ लेवल नहीं है, ये इंडिकेटर्स है, सैंडेलियर एग्जिट, सैंडेलियर शॉर्ट, मूविंग एवरेज, अपर चैनल मूविंग एवरेज बैंड, अभी लेवल आएगा, ये लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है, ये सब लेवल्स आप लोग नोट कर सकता है। ये भी एक गान का एक लेवल है, और ये है कैमरिल का लेवल, इसको आप लोग नोट कर सकता है। कैमरिल का कैसे ट्रेड करना है, H1 H3 होगा तो कैसे ट्रेड करना है, कौन सा लेवल का अंदर रहेगा तो कैसे ट्रेड करना है, उसका टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा वो दिया हुआ है। और ये फिबोनाची बेस्ड ऑन एवरेज टू रेंज डेली, मतलब वन डे का हिसाब से। और ये है ATR, जो ATR 14 का हिसाब से जो है 14 पीरियड का ATR, और इधर और ये देखने से भी चलेगा, ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है उसी के लिए। ये गन एंगल बेस्ड ऑन टू रेंज, ये भी आप लोग को अच्छा काम करेगा, जब भी कोई ATR वोलेटिलिटी और वन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिंक करके जब जो लेवल्स है वो बहुत ही बढ़िया तरीक़े से काम करता है, क्योंकि उसका जो प्राइस रेंज आता है वो बहुत ही अच्छा तरीक़े से दिखाता है।
बहुत ही अच्छा तरीक़े से इसको दिखाता है और लेवल्स और भी बढ़िया हो जाता है। ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम में मैंने बनाया है और ये आप लोग को काम पे नहीं आएगा। जो लोग मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेड करने के लिए और निफ्टी का निफ्टी बैंक निफ्टी पर्टिकुलर निफ्टी बैंक निफ्टी और कोई भी ओनली लॉन्ग टर्म ट्रेड करने के लिए नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी और कोई भी स्टॉक्स का इसका आप लोग साइकिल आप लोग पता कर सकता है, ट्रेंड पता कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, फिर कल मिलेंगे।